जिंदगी में रिस्क लेना सीखो। अगर तुम जीते तो तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहते हो, और अगर तुम हार भी गए तो। हेलो एवरीवन, ये वीडियो है मणि मंजरी राय को लेकर। आपने पेपर में पढ़ा होगा या न्यूज में सुना होगा, ये यूपी पीसीएस की एक अधिकारी थी और इन्होंने सुसाइड कर लिया। एक दिन पहले की कहानी है, इन्होंने सुसाइड कर लिया। बलिया में इनका पोस्टिंग था। आरोप ये लगाया गया है, इन्होंने सुसाइड नोट में लिखा है कि मैं दिल्ली और मुंबई से बच के चली आई, बट यहाँ पे मतलब कहने का इनका और इनके मामा, इनके भाई बहन ये सब आरोप लगा रहे हैं कि इस अधिकारी के ऊपर काफी दबाव था कि विदाउट काम के पेमेंट को रिलीज कर दिया जाए या पेमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। ये काम करने के साथ काम हो जाए उसके बाद पेमेंट, जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है वो करना चाह रही थी, लेकिन इलीगल तरीके से दबाव बनाया जा रहा था। डीएम के पास भी, जैसा कि पेपर में लिखा है, अलग अलग जगहों पर डीएम के पास भी इन्होंने शिकायत की। मात्र 27 साल की उम्र के में इन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया। देखो सिचुएशन अलग अलग होते हैं, क्या होता है मैंने हर एक सिचुएशन अलग। कुछ दिन पहले ही सुशांत सिंह राजपूत को लेके काफी हंगामा था। उनको इकोनॉमिकल क्राइसिस भी नहीं थी, आर्थिक रूप से भी तंगी नहीं थी, फिल्में नहीं मिल रही थी, अलग अलग तरह से टॉर्चर या मर्डर है ये तो बात की बात है, लेकिन ऐसा नहीं है हमारे देश में। लाखों जो यंगस्टर है, लाखों लोग हर साल सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, और इसमें सबसे बड़ी संख्या यंगस्टर की है जो डिप्रेशन में ये काम करते हैं। अभी अगर मणि की बात किया जाए तो इन्होंने भी सुसाइड अटेम्प्ट किया। बहुत सारी परेशानियां होंगी, बहुत सारी तकलीफें होंगी, कुछ सूझ नहीं रहा होगा, तब एक रास्ता दिखा सुसाइड का। उनको लगा इस सुसाइड से सारी समस्या का अंत किया जा सकता है। ऐसा क्यों दिखा, कभी इस पे सोचा है, और ऐसा क्यों दिखता है डिप्रेशन में? एक तो डिप्रेशन मानसिक बीमारी है जहां पे आपको फैमिली की सपोर्ट चाहिए, दोस्तों का सपोर्ट चाहिए, एक पॉजिटिव माहौल चाहिए। अक्सर हमारे यहाँ डिप्रेशन को, हमारे यहाँ जो है डिप्रेशन को सीरियसली नहीं लिया जाता। बच्चे कॉलेज में डिप्रेस होते हैं एक डिजीज को लेकर, ऑफिस में बॉस से एम्प्लॉय जो है वो डिप्रेस हो जाता है, बहुत सारी तनाव की बातें होती है, आसपास चलती रहती है, और हम लोग इसको सीरियसली नहीं लेते, हमारे फैमिली वाले सीरियसली नहीं लेते, और कभी कभी इस तरह की चीजें सामने आती है। मैं ये कह रहा हूं कि क्या ये सुसाइड जो है इसका सॉल्यूशन है, क्या इसका दूसरा सॉल्यूशन नहीं था, लेकिन वो दूसरा सॉल्यूशन शायद दिखा नहीं। कुछ लोग असहमत भी हो सकते हैं, बट आप एक बात बताओ, आपने सोच ही लिया कि मुझे जीवन छोड़ देना है, तो बेटर होता नौकरी छोड़ देते, बेटर ये होता नौकरी छोड़ देते और स्लम में बच्चों को पढ़ा लेते, कोई सोशल एनजीओ ज्वाइन करके सोशल वर्क कर लेते। मान लेते कि मैं डेड हूं, मान लेते कि मैं मर चुका हूं या मर चुकी हूं, और आप उसको छोड़ देते। बहुत सारे ऑप्शन हैं, और ऐसा नहीं है कि हम, अभी तो लिस्ट है पूरी। पिछले कुछ सालों में इतना ज्यादा प्रेशर है अधिकारियों पर अलग अलग जगह से कि लिस्ट है पूरी। बड़े बड़े ऑफिसर रिजाइन कर रहे हैं, यंगस्टर रिजाइन कर रहे हैं, प्रेशर में काम नहीं कर पा रहे हैं। ये मैम भी प्रेशर में थी, 27 साल की उम्र थी, प्रेशर को इन्होंने मैनेज नहीं किया, प्रेशर मैनेज नहीं कर पाई। नौकरी छोड़ना इसका सॉल्यूशन था, ये भी एक रास्ता था कि नौकरी छोड़ देते। जीवन छोड़ना सॉल्यूशन नहीं है किसी भी स्टेज में, किसी भी परिस्थिति में। और ये आपके लिए भी मैसेज है, पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, फेल्यूर हो जाते हैं, बार बार होते हैं, सोसाइटी ताना देती है, घर वाले ताना देते हैं, और घर वाले जब काफी जो आपके डियर हैं और नियर हैं, जब नियर और डियर इस तरह की बातें करते हैं, ताना देते हैं, तो स्टूडेंट कोई भी ज्यादा दुखी होता है। तो ये गार्जियन का भी फर्ज है, और जो डिप्रेस हैं उनको भी सॉल्यूशन ढूंढना है, और सॉल्यूशन कभी भी मौत या सुसाइड के रूप में नहीं ढूंढना है। बहुत सारे रास्ते हैं। अब एक बार देखो ना, सुशांत सिंह राजपूत की अगर सुसाइड डेथ हुई है तब, लेकिन अगर सुसाइड किया है तो और रास्ते क्या नहीं थे, नहीं क्या होगा, बहुत सपोर्ट मूवी नहीं मिलती,
इनका क्या होता, बहुत से बहुत रिजाइन करके टीचर की नौकरी कर लेती, कुछ और कर लेती, एसएससी ट्राई कर लेती, उम्र भी बचा हुआ था, कुछ भी कर लेती, कलर का नौकरी कर लेती, प्राइवेट कुछ कर लेती। क्या फर्क पड़ता है, एक अच्छी जिंदगी किसी भी तरीके से आ जाए, जरूरी थोड़ी नहीं कि आईएएस बन के ही आ जाए, बिजनेसमैन बन के ही आ जाए, हर आदमी अंबानी बन जाए, नहीं, जरूरत है एक मिडिल क्लास फैमिली जो एक अच्छे खासे मतलब एक खुशहाल परिवार में रहता है, दो टाइम का खाना, ढंग की एक नॉर्मल लाइफ स्टाइल मिल जाए काफी है यार, इतना ज्यादा क्यों भागना। और ये सारा जो भाग दौड़ मचा हुआ है, ये इतना डिप्रेशन है क्यों है, क्योंकि हम कॉम्पिटिशन में है। और रुकना कहाँ ये नहीं पता, समस्या ये है कि रुकना कहाँ है ये नहीं जानते, लोग क्या कहेंगे ये परेशानी है। अरे भाई लोग क्या कहेंगे, रुकना नहीं जानते, ये सीखना पड़ेगा। लोग गए भाड़ में, लोग सीधा बोलो भाड़ में गए, क्या फर्क पड़ता उस लोगों से जो जो आपकी जिंदगी को खत्म करने में योगदान करता है, वैसे लोगों से क्या मतलब है, सिंपल सी बात है। तो आप भी अब तैयारी कर रहे हो, तैयारी के दौर में बहुत सारे स्ट्रेस आएंगे, बहुत सारे कमेंट्स झेलने पड़ेंगे। जो यंगस्टर आ रहे हैं वो शायद इससे वाकिफ नहीं होंगे, पुराने लोग तो हैं वाकिफ नहीं होंगे, तो आप स्ट्रांग बन के रहिए। और जिस दिन ये ख्याल आए उस दिन मान लेना कि आप खत्म हो चुके हो, उसके बाद जो मन करता हो समझ लेना कि दुनिया के लिए आप नहीं हो, और जो मन करता है करिए, कुछ अच्छा करके जाएंगे। जीवन में मरने के बाद भी आपको जिंदा रखा जाएगा, मरने के बाद भी आप जिंदा रहोगे, दो दिन दस दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए। कुछ ऐसा कर जाइए अगर सुसाइड करने का मन कर भी जाता है। वैसे आप मैनेज करना सीखिए, बहुत सारे रास्ते हैं, बस आंखें खोल के रास्ते देखने की जरूरत है। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और होप और उम्मीद आपसे ये करेंगे कि डिप्रेशन को इतना ज्यादा हावी ना हो।